गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मिल रहे हैं सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी के जो है तीसरे सेशन में। और इस तीसरे सेशन में हम बातें करेंगे किंगडम होने वाला, क्योंकि सेकंड सेशन में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। हालांकि उसमें हमने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बातें की थी जो लूज ने दिया था, कार्ल लूज ने। तो किंगडम मोनेरा में जो है हम उन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उन दोनों किंगडम को पढ़ेंगे। और अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, नेचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखनी है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन की घंटी को जो है आप दबाओ, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अपकमिंग वीडियोज के बारे में। इसके अलावा आप वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com पे जो है आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप वर्ड बालाजी 95-elearn.blogspot.com पर आप विजिट कर सकते हो, जो कि ब्लॉगर है हमारा, और इस पर भी जो है आपको जो है ये सारे वीडियोज हैं। इसके अलावा जो है आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv1571978 पर भी जो विजिट कर सकते हो, जो वर्ड बालाजी 95 के नाम से ही है। और इस पर न केवल ये वीडियोज हैं बल्कि इन वीडियोज के अलावा और भी बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोज हैं, जिनसे आपको बायोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जो है टच करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो है टॉपिक को मोनेरा। मोनेरा है क्या? मोनेरा वो किंगडम है जिसमें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और इसके बारे में जो है जो मोनेरा टैक्सॉन है एज फाइलम आर्मस्ट्रीकल ने 1866 में दिया था। एज फाइलम आर्मस्ट्रीकल ने 1866 में दिया था, और आगे चल करके जो है इसको एलिगेट किया गया 1925 में एज किंगडम By Edward Chatham, ठीक है। और फाइनली जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो जो है इसे जो है किंगडम मोनेरा के रूप में जो है अप्रूवल मिला 1969 में, ठीक है। तो जो है हमें इसी मोनेरा के बारे में जानना है, ये मोनेरा क्या है। देखो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये जो है हमारा जो है जियोलॉजिकल क्लॉक है, और इस जियोलॉजिकल क्लॉक में हमें देखना है कि मोनेरंस जो है कब डेवलप हुए। जरा आप देखो, ये जो है यहां से ये जो इरा है ये ओरिजिन ऑफ अर्थ का इरा है। इस पॉइंट पे जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ठीक है, ये बिलियंस ऑफ इयर्स में दिखाया गया है इसमें। और उसके बाद जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इस पर्टिकुलर जो है ड्यूरेशन में हुआ, जब बैक्टीरिया डेवलप हुए, प्रोबैक्टीरिया डेवलप हुए, बैक्टीरिया डेवलप हुए, देन साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुए, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में ये पूरा का पूरा जो है टाइम स्केल जो है ये प्री कैम्बियन इरा का है, ठीक है। तो प्री कैम्बियन जो है में अगर हम देखें तो जो है शुरुआत में आर्चीबैक्टीरिया डेवलप हुए, देन बैक्टीरिया एंड देन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर जो है यूकेरियोट्स डेवलप हुए, एल्गी डेवलप हुए, इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हुए, प्लांट्स डेवलप हुए, मैमल्स डेवलप हुए, और फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीनोजोइक इरा के लास्ट में जो है ह्यूमंस डेवलप हुए। तो ये एक जियोलॉजिकल क्लॉक है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि जो है मोनेरंस कब डेवलप हुए। तो वास्तव में मोनेरंस जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ अर्थ पे, उस समय से जो है ये डेवलप हुए और आज भी ये पाए जा रहे हैं,
ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल क्लॉक था। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा पे, कि मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो मोनेरा जो है वो मोनोस टर्म से बना हुआ है। मोनोस का मतलब होता है सिंगल, और आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर। तो सिंस दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मोनेरल्स, मोनोस। मोनोस मीन सिंगल, और मोनोस से बना है टर्म मोनेरल। तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि दीज आर फाउंड इन द ग्रुप, ठीक है। तो यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन जो है ये ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और जब ग्रुप में पाए जाते हैं तो इन्हें हम माइसेलियल कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका वो सर्कुलर डीएनए होता है। ध्यान दो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जहां न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है वहां पर जो है डीएनए लीनियर होता है। डीएनए ऑलरेडी आपने नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो है जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है वो लीनियर डीएनए पाया जाता है। आगे चल करके जब आप साइटोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में इनके बारे में पढ़ोगे। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए, सर्कुलर डीएनए एंड द लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है लीनियर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स पाया जाता है इनमें, लेकिन राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और इसलिए न्यूक्लियस के अंदर वाले जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें बेसिकली नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, ये जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। राइबोसोम्स 70S हो गए। जरा देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस मींस गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा आर लैकिंग। एनी दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन द बैक्टीरिया और द मोनेरल्स, ठीक है। सैप बैक्यूल्स, सैप बैक्यूल्स का मतलब वही जो सेल के अंदर जो आपने बैक्यूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, खासतौर से आपने प्लांट सेल में बैक्यूल्स जो पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और जो है लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल में आपने पढ़ा है कि या तो वैक्यूल्स नहीं होते या बहुत ही छोटे छोटे होते। तो सिंपल जो सेल वैक्यूल होते हैं वो नहीं पाए जाते, बट कभी कभी जो है कुछ गैस वैक्यूल जो है पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिनमें लिक्विड तो नहीं फिलअप होता है बल्कि सडन गैसीय सब्सटेंसेस जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है इसके अलावा जो है प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, बट सम ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। देखो इन तीनों टर्म्स को हमें समझना है। प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, यानी जो शुरुआत में जो इनिशियली जो बैक्टीरिया डेवलप हुए उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव था, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या हुआ, वो या तो पैरासाइटिक था या जो है वो सैप्रोफाइटिक था। लेकिन आगे चल करके जो है जो ग्रुप्स डेवलप हुए उनमें कुछ कीमोसिंथेटिक थे, कुछ जो है फोटोसिंथेटिक थे। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, सर्टन केमिकल्स को जो है ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अब इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छा एक चीज और भी जान लो, चूंकि ये मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं, यानी या तो पैरासाइटिक होते हैं या सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो पैरासाइटिक और जो सैप्रोफाइटिक होते हैं इनके बारे में एक चीज मैं और आपको बता दूं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसे हम पेन के मोड पे लेके आए हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे आते हैं हम, ये तो वाइट स्क्रीन, ठीक है। ये या तो पैरासाइटिक होंगे या सैप्रोफाइटिक। ये पैरासाइटिक भी दो तरह के हो सकते हैं और सैप्रोफाइटिक भी जो है दो तरह के हो सकते हैं। पैरासाइटिक जो होते हैं इनमें दो तरह के क्या होते हैं, देखें जरा हम। एक तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे,
या ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होंगे। और अगर जो है सैप्रोफाइट है तो या तो ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होंगे या फैकल्टेटिव पैरासाइट होंगे। अब इनकी मीनिंग को हम जरा समझ लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पैरासाइटिक मोड को और देख रहे हैं कि इसका जो है दो जो है तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे या फैकल्टेटिव सैप्रोटॉप होंगे। सैप्रोटॉप हम कैसे कर सकते हैं, सैप्रोफाइट हम कैसे कर सकते हैं जब हम पैरासाइट के जो है टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो देखो पैरासाइटिक का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां पर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो मोनेरम है या बैक्टीरिया है वो जो है पूरी तरह से पैरासाइटिक है। अगर इसे पैरासाइटिक कंडीशन जो है अवेलेबल नहीं होगा, पैरासाइटिक कंडीशन का मतलब जो है अवेलेबिलिटी ऑफ होस्ट जिसके ऊपर जो है ये सर्वाइव करेगा। तो अगर ये पैरासाइटिक कंडीशन इसे जो है नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करेगा। अगर पैरासाइटिक कंडीशन नहीं मिला तो ठीक है, लैकिंग ऑफ पैरासाइटिक कंडीशन में, लैकिंग ऑफ पैरासाइटिक कंडीशन में जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो डेड कर देगा। और जो फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉप्स होते हैं इनका मतलब क्या है, ये एक्चुअली जो है दीज आर द पैरासाइटिक, नॉर्मल कंडीशन में ये पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्हें पैरासाइटिक कंडीशन नहीं मिलता तो उस कंडीशन में ये जो है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर लेते हैं पैरासाइटिक टू सैप्रोट्रॉपिक, तो ये सैप्रोट्रॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये पैरासाइटिक होंगे लेकिन अगर इन्हें पैरासाइटिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो दे बिकम सैप्रोट्रॉपिक। तो जब अगर ये सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक हो जाते हैं इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव, यानी फैकल्टेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी एक विकल्प के रूप में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक विकल्प के रूप में जो है ये सैप्रोट्रॉप के रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो ये हो गया पैरासाइटिक बैक्टीरिया या पैरासाइटिक मोनेरम्स। सैप्रोट्रॉपिक ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉप यानी जो केवल और केवल सैप्रोट्रॉपी होते हैं, अगर उन्हें सैप्रोट्रॉपिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं करेंगे। और फैकल्टेटिव पैरासाइट जस्ट इसका अपोजिट मान ली कि नॉर्मली दे आर सैप्रोट्रॉप्स लेकिन अगर इन्हें सैप्रोट्रॉपिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो दे बिकम पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो है दोनों जो टाइप हमने देखा ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वाले बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम जो है एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर नॉन मोटाइल। ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो नॉन मोटाइल है या और मूव बाई बिटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजिला और बाई ग्लाइडिंग। ठीक है, या तो जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं या ये मोटाइल होते हैं। अगर ये मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिला के थ्रू जो है मूव करते हैं, और फ्लैजिला अगर जो है प्रेजेंट है तो फ्लैजिला के आधार पे भी हम इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल फ्लैजिला हो सकता है, डबल फ्लैजिला हो सकता है, जो है दोनों एंड पे फ्लैजिला हो सकता है, पूरे बॉडी सरफेस पे फ्लैजिला हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैजिला जो है पाया जाता है जिसके थ्रू जो है ये मूव कर सकते हैं। यूजुअली जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनकी लेंथ जो होती है वो फ्यू माइक्रोन्स तक ही होती है। एक रिजिड सेल वॉल इनके ऊपर पाया जाता है जो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो है इनमें यूजुअली एसेक्सुअल होता है, या तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये जो है रिप्रोडक्शन करते हैं या बडिंग के थ्रू करते हैं। जो सेल डिवीजन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो
तो सेल डिवीजन के लिए जो है ये जो बाइंडिंग डिवीजन में सेल डिवीजन, बाइंडिंग डिवीजन का मतलब क्या है, सेल डिवीजन ही हो रहा है यूजुअली माइटोसिस के थ्रू होता है, बट बैक्टीरिया में माइटोटिक कंडीशन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया में होने वाला सेल डिवीजन या बाइंडिंग डिवीजन को हम ए माइटोसिस के नाम से जानते हैं। होता तो माइटोसिस जैसा ही है, बट माइटोसिस में जो है सर्टेन सेट क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है एग्जैक्टली जो है उनके क्रोमेटिड्स जो है दो पार्ट में, क्रोमोसोम्स जो है उनके दो पार्ट में या दो क्रोमेटिड में जो है डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स है नहीं, यहाँ पर नेकेड सर्कुलर डीएनए है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो लमसम जो है टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम ए माइटोटिक कंडीशन करते हैं, तो ए माइटोटिक कंडीशन में ये बाइंडिंग डीएनए के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं या ये बडिंग कर सकते हैं। बैक्टीरियल शेप की अगर हम बात करें, शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो शेप ऑफ बैक्टीरिया के आधार पे अगर हम देखें तो कई जो है तरह के जो है ग्रुप में इनको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कोकाई जो कि ओवल या स्फेरिकल होते हैं शेप, जैसे माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, टेट्राकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया जो कि बेसिकली स्फेरिकल होती है। और जो है ये अगर सिंगल के रूप में है तो जो है माइक्रोकोकस, दो के फॉर्म में, दो से स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिप्लोकोकस, चार के फॉर्म में टेट्राकोकस, तो इस तरह से जो है चेन के फॉर्म में स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इस चीज को यहां पे आप देखो, ये देखो, ये द कोकस, ये कोकस है, ठीक है, जो कि सर्कुलर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं दूसरा बैसिली, जो रॉड शेप होते हैं, विद बैक्टीरिया फ्लैजिला हो सकते हैं, विदाउट फ्लैजिला हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल बैसिलस हो सकते हैं सिंगल, डिप्लो बैसिलस हो सकते हैं, दो बैसिलस हो सकते हैं, ये चेन के फॉर्म में होंगे तो स्ट्रेप्टो बैसिलस हो जाएगा, यहां देखो ये बैसिलस है रॉड शेप। नेक्स्ट वाइब्रियोस, जो कॉमा शेप होते हैं, ठीक है, जिनके एक इन पर फ्लैजिला पाया जाता है और जनरली ये मोटाइल होते हैं, जैसे कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कॉलरी, वो वाइब्रियो शेप का होता है, लुक हियर दिस इज द वाइब्रियो, दिस इज वाइब्रियो। स्पाइरोलम, जो स्पाइरल या क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, ये देखो ये स्पाइरोलम है, ठीक है, स्पाइरल या क्वाइल्ड जब होंगे तो उन्हें हम स्पाइरोलम कहते हैं। फिलामेंटस, जो सिंपल फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसे फंगल माइसीलिया होता है, ठीक उस तरह से स्टॉक, ठीक है, जिसमें एक पतला सा स्टॉक होगा, एक्चुअली फिलामेंटस और स्टॉक जो है वो बैसिली के ही डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग तरह के जो है बैक्टीरियल शेप के जो है बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया का शेप अलग अलग हो सकता है और इसके आधार पर इनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कैप्सूल होता है, सेल वाल होता है, ठीक है, ये देखो जरा ये स्ट्रक्चर है, देखो दिस इज द आउटर मोस्ट ग्रीन लेयर दैट इज कैप्सूल, उसके अंदर जो है ये लाइट ग्रीन कलर जो है दिखाई जो दे रहा है, ठीक है, या येलोइस ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ये सेल वाल है, और उसके अंदर ये जो लेयर है ये पीला वाला लेयर, ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म। तो देखते हैं जो कैप्सूल होता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में कैप्सूल हो, मैक्स जो है ज्यादातर बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है, बट जो है कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया में कैप्सूल हो ही। कैप्सूल जो होता है वो बड़ा होता है पॉलीसेक्राइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बायोलेंट बैक्टीरिया, और यूजुअली जो है पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में ये कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया को कॉज करता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी को कॉज करता है। तो ये ऐसे जो है बैक्टीरिया है जो कि पैरासाइटिक है, उनमें जो है कैप्सूल पाया जाता है जो पॉलीसेक्राइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का जगह बना। सेल वॉल, हर बैक्टीरियल सेल जो है सेल वॉल से कवर होता है। सेल जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और कैप्सूल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, और जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेक्राइड प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। और इनमें बेसिकली ये दो जो है स्पेशल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सुगर डेरिवेटिव्स, जिन्हें हम एनएजी एंड एनएएम कर। एनएजी क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एनएजी एंड एनएएम, ठीक है। जनरली नॉर्मल में हम बात करते हैं तो बोल देते हैं कि म्यूरामिक एसिड का बना हुआ सेल वॉल होता है, ठीक है। तो जो है ये जो है सेल वॉल हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि जो है हमने सेल जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। नाइन्थ में आपने पढ़ा था, अभी जो है इलेवेंथ में तो साइटोलॉजी अभी आपको पढ़ना है, पर जो है आपने पढ़ा हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ठीक वैसा ही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट कंपोनेंट जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के सेम होते हैं, बस अंतर ये होता है कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये जो है नहीं पाए जाते। और जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो चूंकि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके जो है न्यूक्लियर मटेरियल को जो है हम न्यूक्लियॉइड कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर जो है डीएनए होता है, और इसके साथ साथ जो है सर्टेन प्रोटीन्स जो है और जो है जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक चीज जान लो कि बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है बैक्टीरिया में नहीं होते, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो अटैच होते हैं। जब आप साइटोलॉजी पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो है डीएनए के साथ जो है अटैच होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो न्यूक्लियॉइड यानी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि सर्कुलर डीएनए का बना हुआ। प्लाज्मिड, ये एक एडिशनल जो है पार्ट है बैक्टीरिया का जो सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। इन द सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एडिशनल जो है नॉर्मल डीएनए जो है या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो है डीएनए या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मिड जो होता है वो छोटा सा जो है स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये इंडिपेंडेंटली जो है रेप्लिकेट कर सकता है और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, अपनी कॉपी को बना सकता है, ठीक है। यूजुअली जो है प्लाज्मिड को फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो उसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर उसमें प्लाज्मिड नहीं है तो उसे हम एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मे बी कन्वर्टेड इनटू एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, सॉरी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मे कन्वर्ट और मे ट्रांसफॉर्म द एफ नेगेटिव बैक्टीरिया टू द एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे यूजुअली क्या होता है, एक बार फिर से हम स्क्रीन से स्क्रीन पे आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जो है मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लुक द वन मिनट, तो जो है हम स्क्रीन लेकर चल रहे हैं और यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो है सपोज हम पेन लेते हैं
और पेन लेकर के जो है अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका जो है न्यूक्लियॉइड है, और ये इसका जो है एक एक्स्ट्रा जेनिटल जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल है, और ये जो है इसके अलावा अभी हम जो है मटेरियल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे फाइली के बारे में, ये जो है छोटे छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइली कहते हैं, इनमें से कुछ फाइली को जो है सेक्स फाइली कहा जाता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल सर्फेस पर पाया जाता है। अब मान लो कि ये दोनों बैक्टीरिया का जो है सेक्स फाइली ये है, इनको अगर हम ध्यान से बहुत जो है इलाज करके देखने की कोशिश करेंगे तो ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, और ये दोनों सेक्स फाइली जो है एक दूसरे से जुड़ गए तो एक पैसेज बन गया इन बिटवीन दिस टू बैक्टीरिया, और इस पैसेज के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है का प्लाज्मा जो है वो इस जो है एफ निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है पहुंच जाता है, ये अपना रेप्लिकेशन करता है और इसका कुछ पार्ट जो है पहुंच गया जो है इसके अंदर, और इट बिकम्स एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया अपना जो फॉर्म चेंज कर सकता है, पॉजिटिव एफ निगेटिव से एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, अगर किसी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो है प्लाज्मा जो है एफ निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए तो, ठीक है। तो जो है ये प्लाज्मिड की बातें हुई, और इसके बाद जो है फ्लैजिला, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फ्लैजिला क्या होता है, ठीक है, पाइली और फैंडी, अभी हमने पीछे बताया कि पाइली और फैंडी पाए जाते हैं बिसाइड फ्लैजिला, सम टाइनी और स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स आर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सेल सरफेस, दीज आर कॉल्ड पाइली एंड मेड अप ऑफ फिल्म प्रोटीन। ये जो फिल्म प्रोटीन है, ये जो फिल्म प्रोटीन है इसी से जो है पाइली का फॉर्मेशन होता है, और ये हेयर लाइक होते हैं बट जो है ये अंदर से हॉलो होते हैं, और ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ निगेटिव बैक्टीरिया को करेक्ट करके उनको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो दो दो बैक्टीरिया सेक्स फाइली के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम कंजुगेशन बोलते हैं, जो है फर्दर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एफ निगेटिव का एफ पॉजिटिव में वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जरा देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। देखो ये जो है बैक्टीरिया है इनका फिक्सेशन किया गया, इनको क्रिस्टल वायलेट से कलर किया गया, देन उनका आयोडीन ट्रीटमेंट किया गया, देन इनका डीकलराइजेशन किया। तो आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद जब डीकलराइजेशन करते हैं तो जो बैक्टीरिया अपने स्टेन को अपने कलर को जो है छोड़ देते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो अपने उस कलर को जो है क्या करते हैं परसिस्ट करते हैं उन्हें जो है हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और आगे अगर इनको फर्दर सेफ्रोनिन से कलर करते हैं तो भी सेफ्रोनिन का कलर जो है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो है नहीं है आता, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ये सेफ्रोनिन कलर जो है दिखाई देता है। सेफ्रोनिन इज अ रेड कलर, क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो है ये कलर का डिफरेंस है। दो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और ये जो है ग्राम स्टेनिंग के आधार पर किया जाता है, जिसको जो है सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में जो है ये टेक्निक डेवलप किया था, और उन्होंने ही बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो दो ग्रुप थे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये और ये, ठीक है, और जो है इनको जो है क्रिस्टल वायलेट से पहले कलर किया गया, उसके बाद इनको ट्रीट किया गया आयोडीन सॉल्यूशन में 5.5% आयोडीन सॉल्यूशन में, उसके बाद वाश कर दिया गया। वाश किया गया तो जो है जिन्होंने अपना कलर छोड़ दिया वो ग्राम नेगेटिव हो गए, और जिन्होंने अपना कलर जो है नहीं छोड़ा वो जो है ग्राम पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो ग्रुप बने। इन दोनों जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इनका जो वाल होता है वो सिंगल लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, और इनका जो वाल होता है जो है वो दो लेयर का बना होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। थिकनेस जो है इनके वाल का जो है ग्राम पॉजिटिव का जो है 20 to 18 नैनोमीटर होता है, और इनका जो है 8 to 12 नैनोमीटर।
लिपिड कंटेंट जो है कम पाया जाता है इनके सेल वॉल में और लिपिड कंटेंट इनमें जो है ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और उसी के आधार पर जो है हम इनका जो है नामकरण करते हैं, इनको जो है दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब आगे जरा देखें, मीसोजोम्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड मीसोजोम्स आर लेस प्रोमिनेंट। मीसोजोम क्या होता है, मीसोजोम को जरा जान लेते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाने वाले जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके बारे में अगर आपको नाइन्थ में बताया गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं बताया गया तो यहाँ पे एक बार जान लेते हैं। देखो यहाँ पे ये चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते बैक्टीरिया में, तो उसके जगह पे जो है मीसोसोम पाए जाते हैं। देखो हम मीसोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीसोसोम। ये जो मीसोसोम है ये जो है बैक्टीरियल सेल में ऑलमोस्ट वही काम करता है जो यूकैरियोटिक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मीसोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मीसोसोम जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और लेस प्रोमिनेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं एंटीबायोटिक्स को, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एंटीबायोटिक्स से जो है यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक को लेकर के रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और उनके ऊपर यूजुअली जो है एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। ज्यादातर जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और बहुत ही कम ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जिन्हें डिजीज को कॉज करते हैं। तो डिजीज को कॉज करने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सर्टेन जो है डिफरेंसेस था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी पीछे भी हमने बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें सेप्रोट्रॉप्स और जो है पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने जो है आपको डिस्कस कर लिया आपसे जो है पहले। ठीक है, बैक्टीरिया को जो है यूजुअली तीन ग्रुप में, यानी क्रिया मोनेरा को जो है तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो एंशियंट पीरियड से ही जो है डेवलप हुए थे और आज भी जो है ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया की एक खास बात यह होती है कि आर्ची बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो है पाए जा सकते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस में भी ये पाए जा सकते हैं, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के बारे में सोच नहीं सकते वहां पर भी ये इजिली पाए जा सकते हैं, जैसे मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेस देन माइनस 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इन टेम्परेचर पे भी जो है आर्ची बैक्टीरिया जो है पाया जा सकता है। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि इनका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लूकन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वॉल में प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक जो है पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। तो जो है इसके अलावा जो है मिथेनोजेंस होते हैं आर्ची बैक्टीरिया में, जो मिथेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें से बहुत सारे मिथेनोजेंस जो है कैटल्स के जो है एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जो ऑलरेडी आप लोअर क्लास में पढ़े हुए। माइकोप्लाज्मा ये भी एक ग्रुप है मोनेरास के अंदर, जिन्हें हम स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, ये माइकोप्लाज्मा है। और इस माइकोप्लाज्मा को अगर हम देखें तो ये बाहर जो है लाइकोप्रोटीन का जो है लेयर है, अंदर ये जो है साइटोप्लाज्मा है और ये जो है डीएनए दिखाई दे रहा है, और इस डीएनए को अगर हम देखें देखने से लग रहा है कि लीनियर डीएनए है, बट होता जो है कि सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये और ये पॉइंट जो है जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक विल बी द सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो जो है इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है जो प्लूरोनिमोनिया में के रूप में जो है फ्लूइड में जो है प्लूरोनिमोनिया जो है डिजीज होता है, जो का एक्चुअली जो है ये हमें भी होता है। ठीक है, और
दूसरे एनिमल्स को भी होता है, लेकिन कैटल के जो है प्लूरल फ्लूइड में, प्लूरल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो लंग्स है हमारा, लंग्स का जो है सबसे बाहर का लेयर जिसे हम प्लूरा कहते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसी गैप में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो जो प्लूरल फ्लूइड है उस प्लूरल फ्लूइड में जो है ये पाए गए थे पहली बार, इसीलिए जो है इनका नाम जो है प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है के नाम से एम जो है के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो जो है ऑफनली कॉल्ड एज एमएलओस, ठीक है, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जो है अब इसके बाद जो है अगर देखें हम साइज रेंज की बात करें तो ये 0.1 से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द UM, इट इज माइक्रोमीटर। ठीक है, और सेल वाल जो है एब्सेंट होता है, इनमें सेल वाल नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मेम्ब्रेन की तरह जो है बिहेव करती है। देखो इसे जो है डायग्राम को, लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लाइकोप्रोटीन इज नॉट फाउंड इन सेल वाल। ठीक है, तो इनमें सेल वाल नहीं पाया जाता और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वाल, ठीक है, ये अपने शेप को आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्लियोमॉर्फिक के नाम से भी जानते हैं, यानी अपने मॉर्फोलॉजी को जो है अपने एक्सटर्नल शेप को जो है ये चेंज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी अगला ग्रुप है। ठीक है, आर्सी बैक्टीरिया के उसके बाद माइकोप्लाज्मा हो गया, देन साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन। पहले जो है जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो इन ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है प्लांट किंगडम प्लांटी में जो है एल्गी के साथ रखा जाता था या थैलोफाइटा में रखा जाता था। ठीक है, इन्हें हम साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, और नॉर्मली साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, दीज आर द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फूड जो है इनमें साइनोफाइसिन के फॉर्म में जो है, साइनोफाइसिन या स्टार्च के फॉर्म में जो है, या लिपिड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। साइनोबैक्टीरिया छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, और इनका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में होता है, यानी ये नेचर में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन को कॉज करते हैं, और इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो है हमारे लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कंपेरिजन में साइनोबैक्टीरिया के सेल्स थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और जो है सेल वाल इनका 1-2 लेयर होता है, इनका सेल वाल जो है 4 लेयर होता है। ठीक है, इनमें प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेमाटा नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसके थ्रू जो है दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जनरली सेल वाल में नहीं पाए जाते और साइनोबैक्टीरिया में ये सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटरोट्रॉफिक होंगे, और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक जो है कुछ सर्टेन कंडीशन में ही हो सकते हैं, वरना जनरली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये जो है एग्जाम जो है डिफरेंसेस थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया जो है वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया में जो है अगर आरसी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यू बैक्टीरिया वेल डेवलप है, जैसा हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे, आरसी बैक्टीरिया जो है जिसमें मिथेनोजेंस के बारे में हमने देखा, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जितना भी था ये सब कुछ था जो है किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसे देखो पढ़ो, और अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप लिख सकते हैं।